हाँ जी, नमस्कार सभी का। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। अपने बात कर रहे थे पीवाईक्यू पढ़ रहे थे सीईटी के। अपने बात कर रहे हैं जो सीईटी का जो एग्जाम हुआ था उसमें अपने पीवाईक्यू 2023 पढ़ रहे थे। इसी सीरीज में अपने आगे बढ़ते हैं और आपके सामने केमिस्ट्री का क्वेश्चन ये लिखा हुआ है BCl2। एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, क्या स्क्रीन पर ये लिखा हुआ है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये लिखा है BCl2 प्लस Na2S4 इज इक्वल टू BSO4 टू NaCl। ठीक है, पूछा क्या गया है, किसका एग्जाम्पल है ये? यानी एग्जाम्पल में ये दे रखा है कि बैरियम क्लोराइड, एग्जाम्पल में दे रखा है कि बैरियम क्लोराइड है, बैरियम क्लोराइड की रिएक्शन करवा दी किसके साथ है? सोडियम सल्फेट के साथ। सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बन गया? बैरियम सल्फेट। तो यहां से बैरियम किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? सल्फेट के साथ। बैरियम किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? सल्फेट के साथ। दोनों इंटरचेंज करेगा तो बैरियम सल्फेट क्या बन जाएगा? BSO4। पीछे क्या बच गया? NaCl। पीछे क्या बच गया? NaCl। यानी दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो रहे हैं। NaCl इंटरचेंज होके तो क्या बना रहा है? NaCl बना रहा है। BSO4 इंटरचेंज होके क्या बना रहा है? BSO4। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक या दो से अधिक कंपाउंड एक दूसरे के साथ, एलिमेंट एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर रहे हो, ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट तो है लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे उसको? बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन तो है लेकिन कौन सी विस्थापन है? वो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापित हो रहा है, देखो ये इसके साथ विस्थापित हो रहा है और ये इसके साथ विस्थापित हो रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ विस्थापन होते हैं तो अभिक्रिया को क्या बोल देंगे? अपने द्विविस्थापन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? अपघटन होना। वियोजन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? अपघटन होना, या अपने कह सकते हैं टूटना। डिसएसोसिएट रिएक्शन भी बोलते हैं इसे। डिसएसोसिएट रिएक्शन का मतलब होता है कोई भी कंपाउंड होता है वो कोई फैक्टर के द्वारा टूटता है। कैसे टूटता है? इसका एक एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल अपने ये लिखे H2O, H2 प्लस O2, दोनों में टूटता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए दो लगाया, इसको क्या देना पड़ेगा? इलेक्ट्रिसिटी। क्या देना पड़ेगा इसको? विद्युत ऊर्जा देना पड़ेगा। तब इसको क्या बोलेंगे अपने? विद्युत अपघटन। क्या बोलेंगे इसको? विद्युत अपघटन। तो ये अभिक्रिया किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया का। किसका? वियोजन अभिक्रिया का। संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको बताऊं, हाइड्रोजन की रिएक्शन करवा दो किसके साथ? सल्फर के साथ, तो क्या बना देगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। तो किसका एग्जांपल हो गया? संयोजन अभिक्रिया का। एडिशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। आई बात समझ में क्या? विस्थापन का एग्जांपल देखो। विस्थापन में अपने कह सकते हैं कि अगर अपने CU की अभिक्रिया करवा दी, कॉपर की अभिक्रिया, अपने देखो इसके अंदर एक अभिक्रिया लिखता हूं मैं, Fe की अभिक्रिया मान लो करवा दी अपने CuSO4 के साथ, तो यहां से Fe विस्थापित करेगा किसको? कॉपर को। तो क्या बना देगा? ये बना देगा FeSO4, और अलग क्या रह जाएगा यहां से? कॉपर। ये देखो, ये कॉपर यहां से अलग बच गया, पीछे यहां क्या था? Fe, और यहां क्या है? SO4। तो Fe और SO4 आपस में जुड़ गया तो ये क्या बन जाएगा? FeSO4 फेरस सल्फेट बन जाएगा, कॉपर आयन यहां से अलग हो जाएगा। ये किसका एग्जांपल हो गया? विस्थापन अभिक्रिया। ये किसका एग्जांपल हो गया? विस्थापन अभिक्रिया। चारों ऑप्शन के एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अपने को एक रिएक्शन दे दी, रिएक्शन देकर ये पूछ लिया ये किसका एग्जांपल है। चार ऑप्शन दे दिए, डिस्प्लेसमेंट, बाय डिस्प्लेसमेंट, डिसएसोसिएट रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया। तो ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो रहे तो क्या बोलेंगे? बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर एक होता उसकी तरह Fe प्लस CuSO4 की तरह तो क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना या अपघटन होना। हाइड्रोजन का आपने क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल डिसएसोसिएट करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अलग अलग हो जाता है, ऐड करते हैं हाइड्रोजन के साथ सल्फर को तो क्या बन जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाता है। आई बात समझ में क्या? चलो ठीक है, ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन पर? देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन आपके पास ये दे रखा है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं हो सकती है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? Zn प्लस FeSO4। Zn की अभिक्रिया किसके साथ करवाई? FeSO4। तो यहां से किसको अलग करेगा? ये Fe को। SO4 किसके साथ जुड़ जाएगा? Zn के साथ। क्या बन जाएगा? ZnSO4। फिर यहां से देखो, पोटेशियम ये हो सकता है, यह अभिक्रिया हो सकती है। क्या पूछा जा रहा है? कौन सी अभिक्रिया नहीं हो सकती?
पोटेशियम आयोडाइड के विक्रिया क्लोरीन के साथ कराएंगे तो यहां से क्या बन सकता है, KCl बन सकता है ना, KCl बन सकता है, ये रिएक्शन भी हो सकती है। Zn के विक्रिया किसके साथ, MgSO4 के साथ कराएंगे तो Zn MgSO4 में से क्या जुड़ेगा, SO4 क्या बना देगा, ZnSO4 क्या अलग हो जाएगा, Mg। यहां से देखो Mg की रिएक्शन CSO4 के साथ करवाई तो ये क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, इसके कारण नहीं हो सकता, क्रियाशीलता के कारण। क्रियाशीलता श्रेणी क्या होती है, अब देखो सर्वाधिक क्रियाशील कौन सा होता है, पोटेशियम और सोडियम, ये सर्वाधिक क्रियाशील। उसके बाद क्या आता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, पीबी, सीयू, कॉपर, एचजी, पारा, एजी, चांदी, एयू, गोल्ड। गोल्ड क्या होता है, न्यूनतम क्रियाशील, न्यूनतम क्रियाशील। गोल्ड क्या होता है, न्यूनतम क्रियाशील होता है। अब देखो कौन किसको हटा सकता है, जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी वो कम क्रियाशीलता वाले को हटा सकता है। यहां Zn और Fe की तुलना करके देखें तो हमारे पास क्या मिल गया, इसमें देखो Zn, ये Zn है इस रिएक्शन में, इस श्रेणी के अंदर यहां पर Zn लिखा हुआ है, यहां Fe लिखा हुआ है। किसकी क्रियाशीलता ज्यादा है, Zn की, किसकी क्रियाशीलता कम है, Fe की। तो कौन किसको हटाएगा, Zn Fe को हटाएगा तो क्या बन जाएगा, ZnSO4। दूसरी रिएक्शन में देखो पोटेशियम आयोडाइड सर्वाधिक क्रियाशील कौन है, पोटेशियम आयोडीन को यहां से हटाएगा तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड में से क्या है, पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। तीसरी रिएक्शन में देखो Zn और Mg में से कौन किसको हटाएगा, Mg को Zn हटाएगा, ये Zn है, Mg कहां है, देखो Mg की क्रियाशीलता ज्यादा है ना यहां पर, Mg की क्रियाशीलता यहां पर ज्यादा हो रही है तो Mg की क्रियाशीलता ज्यादा है किससे, Zn से, तो Zn के साथ क्या जुड़ गया, Mg की क्रियाशीलता क्या है यहां पर ज्यादा है, Zn की क्रियाशीलता क्या है कम है, तो मैग्नीशियम इसको हटाएगा किसको, मैग्नीशियम हटाएगा किसको, जिंक को हटा सकता है, मैग्नीशियम जिंक को हटा सकता है, मैग्नीशियम जिंक को हटा सकता है। मैग्नीशियम और कॉपर की तुलना करके देखो, मैग्नीशियम और कॉपर की तुलना करके देखो यहां पर तो मैग्नीशियम हटाएगा, ये रहा कॉपर, देखो अगली वाले रिएक्शन में कॉपर की क्रियाशीलता क्या है कम है, मैग्नीशियम की क्या है ज्यादा है, तो मैग्नीशियम हटाएगा किसको, CuSO4 को, ये रहा मैग्नीशियम हटाएगा किसको, कॉपर को, मैग्नीशियम कॉपर को हटाएगा तो क्या बन जाएगा, MgSO4 बन जाएगा। लेकिन यहां से देखें Zn और मैग्नीशियम, ये देखो ये क्या है, मैग्नीशियम क्रियाशीलता क्या है ज्यादा, Zn की क्या है कम, तो क्या इसको हटाएगा क्या, Mg को हटाएगा क्या, Zn उल्टा थोड़ी आएगा आगे की ओर बढ़ेगा ना, तो यहां से देखो ये नहीं हटाएगा तो ये बन पाएगा क्या, ZnSO4 इसमें नहीं बन पाएगा, Mg इसमें अलग नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में, यहां देखो Mg ये रहा क्रियाशीलता ज्यादा है किससे, कॉपर से, कॉपर की क्रियाशीलता क्या है कम है, तो मैग्नीशियम हटा सकता है किसको, कॉपर को, मैग्नीशियम हटा सकता है किसको, कॉपर को, तो Mg के साथ क्या जुड़ेगा, MgSO4 बन जाएगा ना, पीछे क्या बच गया अकेला, कॉपर बच गया। तो कौन सी रिएक्शन नहीं हो सकती वो उत्तर पूछा है, कौन सी रिएक्शन नहीं हो सकती ये पूछा है, कौन सी रिएक्शन पहली हो सकती है, दूसरी हो सकती है, चौथी हो सकती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सह, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो नहीं हो सकता, होने ना होने का कारण इस पर डिपेंड करता है, ये जरूर याद रखना, होने ना होने का कारण रिएक्शन का इसके ऊपर डिपेंड करता है क्रियाशीलता। एक बात याद रखना, अधिक क्रियाशीलता वाला कम क्रियाशीलता वाले को हटाता है, ये जरूर याद रखना, अधिक क्रियाशीलता वाला कम क्रियाशील को हटाएगा, अधिक क्रियाशीलता वाला कम क्रियाशीलता है उसको हटाएगा। मैग्नीशियम की क्रियाशीलता Zn से भी ज्यादा है, Fe से भी ज्यादा है, कॉपर से भी ज्यादा है, मैग्नीशियम की क्रियाशीलता देखो इससे ज्यादा है तो इसको नहीं हटाएगा, मैग्नीशियम इधर आता तो इसको हटा सकता है, यहां Zn आता है Fe, Zn और Fe की तुलना करके देखो तो किसकी क्रियाशीलता ज्यादा है, Zn की, ये हटा सकता है, ये हटा सकता है क्योंकि सर्वाधिक क्रियाशील है, ये नहीं हटा सकता, मैग्नीशियम हटा सकता है,
बस ये इतना याद रखना क्रियाशीलता श्रेणी, सर्वाधिक क्रियाशील पूछे तो पोटेशियम और सोडियम, न्यूनतम पूछे तो सोना और चांदी। आई बात समझ में क्या? ठीक है, आज की क्लास में इतनी, अपने दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। पहला क्वेश्चन रिएक्शन का था, यह भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, इसके अंदर आपको यह बताया, चारों रिएक्शन के नाम बताए, उनको एक्सप्लेन किया। दूसरा क्वेश्चन में याद रखना क्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर कौन किसको हटा सकता है, कौन सी रिएक्शन हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती है, ये उसका लॉजिक था। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।